कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस पार्टी बड़े फेरबदल की तैयारी में है। कांग्रेस का सबसे बड़ा फोकस राजस्थान पर है, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। राज्य के दो सबसे बड़े चेहरे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद चल रहा है। कर्नाटक में मिली जीत ने कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। ऐसे में कांग्रेस अब राजस्थान में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। सबसे पहले संगठनात्मक फेरबदल की योजना है। इसी क्रम में कांग्रेस राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड में जल्द नए अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही पार्टी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा, हरियाणा और बिहार में कांग्रेस जल्द नए प्रभारी नियुक्त करेगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी प्रभारी बदले जाएंगे। दरअसल इन दोनों राज्यों के मौजूदा प्रभारी दिनेश गुंडोराव और एचके पाटिल को ही हाल ही में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में मंत्री बनाया गया है। राजस्थान में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। राजस्थान में सचिन पायलट के कद को लेकर अटकलें लगाई जा रही है और ये आलाकमान के फैसले से ही तय होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में भी जल्द नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है, क्योंकि राज्य में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आता रहा है। इसके अलावा युवा चेहरों को मौका देने के उद्देश्य से जल्द ही एक नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी चुनी जाएगी। रायपुर के अधिवेशन में इसे लेकर प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक पूरे सांगठनिक फेरबदल की प्रक्रिया अगले 1 से 3 सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास इन पदों के लिए उम्मीदवारों के नाम पहुंच चुके हैं, लेकिन इससे सवाल उठता है कि क्या राजस्थान में जारी घमासान पर विराम लगेगा। राजस्थान में लंबे वक्त से अशोक गहलोत और पायलट के बीच में विवाद चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से दोनों नेताओं ने खुले तौर पर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वही कांग्रेस कई महीनों से राजस्थान का संकट टाल रही है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दोनों नेताओं को साथ लाने की कोशिश की थी। कर्नाटक चुनाव के बाद दोनों नेताओं से बातचीत भी की गई। अमेरिका दौरे पर जाने से ठीक पहले राहुल गांधी ने दोनों नेताओं से मुलाकात भी की थी। इस दौरान पायलट और गहलोत को समझाने की कोशिश भी की गई, ताकि राजस्थान चुनाव से पहले एकजुटता का संदेश दिया जा सके। हालांकि अभी तक कोई फॉर्मूला निकल कर सामने नहीं आया है, क्योंकि दोनों नेता अपने अपने स्टैंड पर अड़े हैं। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया था। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली। माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी जल्द ही बड़ी भूमिका में भी नजर आ सकती है। इससे पहले उन्हें यूपी का प्रभारी बनाया गया था। हालांकि राज्य में मिली हार के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का रुख किया। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश का प्रभार छोड़ सकती है, ताकि वो अन्य राज्यों में ध्यान केंद्रित कर सके। कांग्रेस को उम्मीद है कि जल्द ही राजस्थान कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक ठाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।